जनपद मथुरा के मोगारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बड़ापुर में पुलिस ने बीती देर रात एक महिला की छेड़छाड़ और लूट की शिकायत पर आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए पहुंची तो उसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, पथराव और लाठी डंडे चलाए। पुलिसकर्मियों की राइफल छीन ली। मारपीट में दो एसआई और एक हेड कांस्टेबल घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले में पुलिस ने गुरुवार को शाम को मुठभेड़ के दौरान घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। बीती रात थाना मगुरा क्षेत्र में गांव बंडीपुरा में पुलिस टीम पे कुछ लोगों ने हमला किया था तथा पंप एक्शन गन पुलिस टीम की छीन ली थी। संबंधित प्रकरण में जैसा मैंने पूर्व में बताया था, अभियोग पंजीकृत किए गए थे। एक अभियोग उस महिला की तरफ से पंजीकृत किए थे जिसकी शिकायत पर पुलिस टीम बंडीपुरा पहुंची थी, जिसमें महिला ने शिकायत किया था कि उनके साथ छेड़खानी और उनके आभूषण लूट लिए थे इन बदमाशों ने। और दूसरा अभियोग पुलिस के साथ जो मुजम्मत हुई थी उसकी पंजीकृत की गई थी, जिसमें पंप एक्शन गन पुलिस की छीन के ये बदमाश ले गए थे। आज उसी क्रम में उसमें से एक वांछित अपराधी जिसका नाम श्याम था, पुत्र विजेंद्र, उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में वो घायल हुआ है और उससे जो लूटी गई पंप एक्शन गन है वो बरामद हुई है। साथ ही साथ अपराधी के पास से अवैध असलाह, जिंदा कारतूस तथा खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसमें शेष अभियुक्तों के लिए भी हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। हमारी कुल 7 टीमें इन सभी वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए लगी गई हैं। सभी पर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम कर दिया गया है और लोगों से अपील की जाती है कि जहां भी इनके बारे में जानकारी मिले सूचना दें, और साथ ही साथ जो भी इसको आश्रय देंगे, जो भी इनको अपने यहां पना देंगे, वैसे लोगों के विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत करके कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।